अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विच डील्स विद कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स और ऑफर. राइट, वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन टू विच वाज अबाउट इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस, पर आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वन जो कि कम्युनिकेशन किसी ऑफर की या एक्सेप्टेंस की या रिवोकेशन की उससे डील करता है. ठीक है, और चैप्टर वन सेक्शन 3 to 9 है इसमें, चैप्टर वन में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. द ऑफर नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी सो दैट इट्स एक्सेप्टेंस में कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट. हमने सेक्शन 2 के सब सेक्शन ए में पढ़ा था कि प्रपोजल क्या होती है. राइट, कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी विलिंगनेस शो कराती है इस पर्पज़ से कि वो उसे एक्सेप्टेंस दे दें. ठीक है, तो वो जो ऑफ़र है वो उसे सिग्निफाई करती है. हमने यही पढ़ा था ना कि व्हेन वन पार्टी सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस. सिग्निफाइज मींस बात करना, कम्युनिकेट करती है. एक पार्टी जब दूसरी पार्टी से कम्युनिकेट करती है, मींस सिग्निफाई करती है अपना विलिंगनेस ताकि उसे वो एक्सेप्टेंस दे दे, तो उसे हमने पढ़ा था कि वो ऑफ़र होती है. ठीक है, तो उस ऑफ़र को कम्युनिकेट होना चाहिए. सिग्निफाइज था तो इट मींस कम्युनिकेट होना चाहिए दूसरी पार्टी से. कम्युनिकेट होगी तभी तो वो एक्सेप्टेंस दे सकेगा, और उस एक्सेप्टेंस को भी जिसने ऑफ़र दी है ऑफरर उसके पास कम्युनिकेट होनी चाहिए. ठीक है, इसीलिए चैप्टर वन ही इस पर डील करता है कि अगर ऑफ़र दी जा रही है तो वो ऑफरी के पास एक कम्युनिकेशन के थ्रू जानी चाहिए, और अगर एक्सेप्टेंस दे रहा है ऑफरी तो वो भी कम्युनिकेशन होना चाहिए उसका ऑफरर के पास. ठीक है, या अगर वो रिवोक भी कर देते हैं, रिवोक मींस कैंसिल कर देते हैं एक प्रपोजल. एक ऑफरर ने ऑफ़र दी, मतलब प्रपोजल दिया, उसके बाद वो ये सोचता है कि मैंने नहीं देना है, इसे कैंसिल करना है, तो वो किस किस तरह से हो सकता है. या एक पार्टी जिसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है और वो चाह रही है बाद में कि मैं ये एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहती थी, तो वो किस तरह से रिवोक कर सकती है उसे, वो इस चैप्टर में डील करता है, और कब कब कर सकते हैं ये सब चीज़ें. ठीक है, तो जनरली सबसे सेक्शन 3 बात करता है, जनरल बात करता है. वो कहता है सेक्शन 3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 3 सेज कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स. ठीक है, सेक्शन 3 सबसे पहले बात ही इस बारे में करता है कि कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस या रिवोकेशन प्रपोजल की किस किस तरह होगी, क्या है. द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स एंड द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस. मतलब के प्रपोजल्स की कम्युनिकेशन ऑफरर टू ऑफरी के दरमियान. ठीक है, एंड एक्सेप्टेंस की जो प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया है वो उसकी कम्युनिकेशन ऑफरी टू ऑफरर के दरमियान, एंड द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस. और अगर ऑफरर जिसने ऑफर दी है वो उसे अपनी रिवोक करना चाहता है तो उसकी कम्युनिकेशन, और अगर जिस ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दी है वो रिवोक करना चाहती है या कब कर सकती है उसकी कम्युनिकेशन. सेक्शन 3 में बता रहे हैं कि रिस्पेक्टिवली आर डीम्ड टू बी मेड बाई एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग एक्सेप्टिंग और रिवोकिंग. सेक्शन 3 में ये कह रहा है कि किसी भी तरह की कम्युनिकेशन प्रपोजल्स की हो रही है या कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस के बारे में हो रही है पार्टीज के दरमियान या रिवोकेशन की हो रही है, ये सब वही पार्टी कर सकती है जिसने पहले प्रपोज किया है, या तो फिर ऑफरर ही ऑफर देने के बाद कर सकता है ना ऑफरर की कम्युनिकेशन या फिर उसकी रिवोकेशन. ठीक है, या फिर जो एक्सेप्ट कर रही है, एक्सेप्टिंग द पार्टी हु इज़ एक्सेप्टिंग, वही रिवोक कर सकती है या कम्युनिकेट कर सकती है, या जो रिवोक कर रही है वो ही पार्टी रिवोक कर सकती है. तो ये यहाँ पर जनरली बस बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस या रिवोकेशन जो होती है प्रपोजल की वो वही पार्टी कर सकती है जो वो कर रही है. जैसे कम्युनिकेशन अगर ऑफरर ऑफर दे रहा है तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा उसे ऑफरी के तरफ. ठीक है, और ऑफरी अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो कैसे कम्युनिकेट करके एक्सेप्टेंस ऑफरर के पास पहुंचाएगा. या जो रिवोक कर रही हैं तो रिवोक तो दोनों कर सकते हैं, ऑफरर भी अपनी ऑफर रिवोक कर सकता है और ऑफरी भी अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है, तो वो कब कब कर सकते हैं ये इसमें सेक्शन 3 में जनरली बताया गया है. ठीक है, सेक्शन 4 बात करता है मेन के कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट. कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगी. इस अच्छा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिर्फ कि कम्युनिकेशन
जो हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन प्रपोजल की या एक्सेप्टेंस की या रिवोकेशन की होती है, तो हम यहाँ पे डील बात करेंगे सिर्फ आज कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल किस तरह होगी, और कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस में सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सेप्टेंस को वैलिड कैसे करते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियोस पे पढ़ा कि एक ऑफ़र होती है और ऑफ़र के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो उसे वैलिड करते हैं, ठीक है। इसी तरह एक्सेप्टेंस होती है तो एक्सेप्टेंस के भी कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए जो उसे वैलिड करे, क्योंकि हमने पढ़ा है ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस, ठीक है। सेक्शन टू का सबसेक्शन बी प्रॉमिस के बारे में क्या कहता है कि जब जिस बंदे को ऑफ़र दी गई थी अगर वो उसे एक्सेप्ट कर ले तो वो प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। और प्रॉमिस क्या बनाते हैं, प्रॉमिस हो गया तो इट मींस कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो कि लीगली बाइंडिंग होगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला देयर मस्ट बी अ वैलिड ऑफर एंड अ वैलिड एक्सेप्टेंस टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो इसलिए हम आज ये सबसे पहले डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, क्या ऑफर की कम्युनिकेशन कैसे होगी, और एक्सेप्टेंस अगर होगी तो एक्सेप्टेंस वैलिड किस तरह होगी, ठीक है। सेक्शन फोर में बताता है कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगी, ऑफर की या एक्सेप्टेंस की या रिवोकेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन फोर कहता है द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, ठीक है। पहली बात इन्होंने कहा प्रपोजल की कम्युनिकेशन कैसे होगी, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल जब ख़त्म होगी, जब एक पार्टी जब दूसरी पार्टी को कोई ऑफ़र दे रही है तो उस तक पहुंच जाए। जैसे मिसाल के तौर पे ये इतना ज़्यादा टेक्निकल या मुश्किल बात नहीं है, अगर जनरली दो पार्टीज फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रही हैं तो वो उसी वक्त एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को सामने ही बोला, उसने एक्सेप्ट कर ली, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन हो गई उनकी प्रपोजल की, राइट। लेकिन अगर फेस टू फेस नहीं है तो तब आकर थोड़ी टेक्निकल और मुश्किल होती है, जैसे कि अगर लेटर के थ्रू हो रही है या मैसेज के थ्रू हो रही है, ईमेल के थ्रू हो रही है, तो उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हैं। अच्छा, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कम्प्लीट व्हेन इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, ठीक है। इन्होंने कहा कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कम्प्लीट तब होती है, कम्युनिकेशन प्रपोजल की तब होती है कम्प्लीट, प्रपोजर जो है, ऑफरर जो है, ऑफरी को अगर दे रहा है तो उसकी नॉलेज तक वो बात पहुँच जाए तो वो कम्प्लीट हो जाती है। जैसे अगर फेस टू फेस बात की जाए, एक ए बी को कहता है जो उसके सामने बैठा हुआ है कि मैं आपको ये गाड़ी भेजना चाहता हूँ, क्या आप ये ख़रीदेंगे, तो वो कहता है ठीक है मैं ये ख़रीदूँगा, तो ये कम्युनिकेशन और प्रपोजल हो गई कम्प्लीट इनकी, क्योंकि आमने सामने थे, उनकी नॉलेज में आ गई, ठीक है। और अगर वो लेटर के थ्रू लिखता है, अगर वो लेटर के थ्रू लिखते हैं, एक ऑफरर है जो ऑफरी के लिए लेटर लिख रहा है कि मैं आपको अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ 40,000 में, क्या आप ये ख़रीदेंगे, और वो लेटर पोस्ट कर देता है, ठीक है। उसने वो लेटर लिखा है 1 जुलाई को, ठीक है, और वो लेटर पहुँचता है 3 जुलाई को उनके पास, जो जिसको वो ऑफ़र दे रहा है, मतलब ऑफरी के पास। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन और प्रपोजल जो है वो 3 जुलाई को ख़त्म कहलाएगी, मतलब कंप्लीट कहलाएगी। ये नहीं कह सकते कि जिस तारीख को प्रपोजर या जो ऑफरर है उसने ऑफ़र के लिए लेटर लिखा था उस टाइम पे उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई, नहीं। जिस तारीख को ऑफरी की नॉलेज में आया, मतलब कि ऑफरी के पास वो लेटर पहुँचा, उस वक्त वो कम्युनिकेशन कंप्लीट कहलाएगी, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा क्या कि 1 जुलाई को ऑफरर ने लेटर लिखा है और रिसीव ऑफरी को कब हुआ है, 3 जुलाई को। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन और प्रपोजल कंप्लीट हुई है। ये नहीं कहेंगे कि 1 को, क्योंकि ऑफरर ने 1 को लिखा है, नहीं, कहेंगे कि 3 को पहुँची है, तो 3 को कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गई, ठीक है। सेक्शन 4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 says that the communication of the offer is complete when it's come to the knowledge of the person it has been made to, ठीक है। So when the offeree in case of specific offer, ठीक है, or any member of the public in case of a general offer becomes aware of the offer, the communication of offer is said to be complete। अगर कोई specific offer है, specific offer हमने क्या कही पढ़ी थी कि किसी एक general specified बंदे के लिए हो रही है, तो उसे कहते हैं specific offer, ठीक है। तो अगर उस बंदे के पास पहुंच जाएगी तो वो एक्सेप्टेंस जो कम्युनिकेशन और प्रपोजल कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ए ने सिर्फ बी को कहा है तो बी तक वो बात पहुंच गई, तो वो कम्युनिकेशन और प्रपोजल कंप्लीट हो गई।
सो व्हेन टू पीपल आर टॉकिंग फेस टू फेस और वेयर टेलीफोन इट इज़ सी द कम्युनिकेशन विल बी कम्प्लीट एज सून एज द ऑफर इज मेट। अगर दो बंदे फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो सामने वाले के जैसे ही कान में बात पड़ी वो कम्युनिकेशन कम्प्लीट हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ़ ए टेल्स बी ही विल फिक्स हिज रूफ फॉर 5,000 रुपीज़, ठीक है, द कम्युनिकेशन इज़ कम्प्लीट एज सून एज द वर्ड्स आर स्पोकन। यहाँ पर ए अगर बी को कह रहा है, वो सामने उसके बैठा हुआ है, ठीक है, वो उसको कह रहा है कि मैं आपकी जो रूफ़ है वो ठीक कर दूंगा 5,000 रुपये में, तो जब जैसे ही उसके कान में वो बात पहुंची तो ऑफ़र यहाँ पर कम्युनिकेशन कम्प्लीट हो गई ऑफ़र की, ठीक है। ए राइट्स टू बी ऑफरिंग, असल अगर दूसरी एग्जांपल देखी जाए, ए ने लिख कर दिया है, बी को ऑफ़र दी है कि वो उसकी रूफ़ 5,000 में ठीक कर देगा, ए ने लिख के दिया है लेटर में, ठीक है। ही पोस्ट द लेटर ऑन 2nd जुलाई, उसने वो जो लेटर लिखा है वो 2nd जुलाई को पोस्ट किया, ठीक है। लेटर लिखने के बाद द लेटर रीड्स बी ऑन 4 जुलाई, जबकि वो लेटर बी के पास कब पहुंचा, 4 जुलाई को। सो द कम्युनिकेशन इज सेट टू बी कम्प्लीटेड ऑन 4 जुलाई, तो यहाँ पर कब कहलाएगी कि कम्युनिकेशन प्रपोजल की हो गई, 4 जुलाई को, जिस टाइम पे ऑफरी ने वो एक्सेप्ट किया, यानी ऑफरी तक वो लेटर पहुंच गया है, रीच हो गया है, तो तब ऑफर उसकी कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब हुई कम्प्लीट, जब ऑफरी को वो लेटर मिल गया, ठीक है। जैसे इधर उन्होंने कहा था कि ओह माय गॉड, ठीक है, तो ये था कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल के कब कंप्लीट होती है, जो कि सेक्शन 4 का फर्स्ट पैरा बताता है कि द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज़ कम्प्लीट व्हेन इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज़ मेंट, ठीक है। सेकेंडली है द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ कम्प्लीट व्हेन एंड इज़ अगेंस्ट द प्रपोजल। अब कम्युनिकेशन जो है वो एक्सेप्टेंस की कब कम्प्लीट होती है, अगर प्रपोजल के देखा जाए, जो ऑफरर है उसके अगेंस्ट में, व्हेन इट इज़ पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। ये कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कम्प्लीट होती है एज अगेंस्ट ऑफरर के, ऑफर ने, अब जो ऑफरर था उसने कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कर दी, ऑफर दे दी, ठीक है। अब उसे कैसे पता चलेगा कि एक्सेप्टेंस हुई है या नहीं, तो उसके अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस तब होती है जब एक्सेप्टर उसे ऐसी जगह में या कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में लगा दे जो उसकी पावर से आउट हो जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पे ए ने बी को लेटर के थ्रू ऑफर दी थी, ठीक है, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई जब लेटर बी को रीच हो गया, मतलब बी के पास पहुंच गया। अब बी ने उसे एक्सेप्टेंस भी तो देनी है कि मैंने ये एक्सेप्टेंस दे दी है, तो बी भी एक लेटर लिखता है, 4 जुलाई को उसकी कंप्लीट हुई थी ना ऑफ़र की एक्सेप्टेंस, बी भी अब एक लेटर लिखता है और वो पोस्ट करवा देता है 5 डेट को। तो जैसे ही उसने पोस्ट करवाई है तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर, जिसने ऑफर दी थी उसके अगेंस्ट में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होती है, तब जब उसे पता चल जाए कि प्रपोजल तक वो पहुंच गई है, यानी कि उसने 5 को वो पोस्ट करवाए थे लेटर, तो जो एक ऑफरर था उसके अगेंस्ट में तो ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई थी, लेकिन जब 6 को ऑफरर के पास वो लेटर पहुंचा, उसने पढ़ लिया कि हाँ मुझे एक्सेप्टेंस मिल गई है, तो एज अगेंस्ट एक्सेप्टर्स तब कंप्लीट होगी, ठीक है। तो ये था सेक्शन 4 में बताया कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, पहले हमने पढ़ा प्रपोजल की कब कंप्लीट होगी, तब जब ऑफरर अगर जिस बंदे को भी पार्टी को भी वो ऑफर दे रहा है उसकी नॉलेज तक पहुंच जाएगी। एक्सेप्टेंस में हमने 2 तरह से देखना पड़ेगा कि एक्सेप्टेंस में जो ऑफरर दे रहा था जिसने उसे ऑफर दी थी और उसकी एक्सेप्टेंस हुई थी, उसको कब पता चलेगा कि कंप्लीट हो गई, और जो एक्सेप्टर है उसे खुद को। तो हमने पढ़ा कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन की ऑफरर को तब पता चलेगा जब कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में एक्सेप्टर डाल दे, यानी कि उसकी पावर से आउट हो जाए, वो अब जाकर रोक ना सके कि मुझे अब, जैसे कि उसने लेटर अब पोस्ट ऑफिस में भेज दिया, तो इसका मतलब जो ऑफरर है उसके अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कम्प्लीट हो गई है, ठीक है। और जब एक्सेप्टर को पता चल जाए
कि उसकी जो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन थी वो ऑफर तक पहुंच चुकी है, तो एज अगेंस्ट एक्सेप्टर वो तब कंप्लीट होगी। ठीक है, रिवोकेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे वरना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाएगा। अच्छा, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस एक्सेप्टेंस इन सेक्शन 2B। जो सेक्शन 2 है इंटरप्रिटेशन क्लोज का, उसका सबसेक्शन बी प्रॉमिस बताता है कि प्रॉमिस क्या होता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि ऑफ़र जो दी गई है बंदे को, वो अगर उसको एक्सेप्ट कर ले तो वो प्रॉमिस बन जाता है, यानी ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस। तो इसलिए इसे एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन भी कहते हैं। कहीं कहीं लिखा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कॉमेंट्री में कि उसे सेक्शन 2B को एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन भी कहते हैं। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल हैज़ बीन मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। ठीक है, वो पार्ट पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया था, अगर वो सिग्निफाई कर दे यानी कम्युनिकेट करके अपना एक्सेप्टेंस बता दे, तो उसे कहेंगे कि वो ऑफ़र एक्सेप्ट हो गई है, और उस प्रपोजल को जो एक्सेप्ट हो जाए उसे प्रॉमिस कहते हैं। ठीक है, सो एज द डेफिनेशन स्टेट्स, व्हेन द ऑफरी टू हुम द प्रपोजल इज मेड अनकंडीशनली एक्सेप्ट द ऑफर, इट विल अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। आफ्टर सच एन ऑफर इज एक्सेप्टेड, द ऑफर बिकम्स अ प्रॉमिस। तो इस डेफिनेशन से हमें पता चला कि वो बंदा जिसे प्रपोजल दिया गया था यानी कि ऑफरी, अगर विदाउट एनी कंडीशंस उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, तो वो ऑफर क्या बन जाती है? प्रॉमिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ए ऑफर्स टू बाय बीस कार फॉर ₹2 lakhs एंड बी एक्सेप्ट सच एन ऑफर, नाउ दिस हैज़ बिकम अ प्रॉमिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ए ने ऑफर दिया है बी को कि वो उसकी गाड़ी खरीद ले 2 lakh में, और अगर बी एक्सेप्ट कर लेता है तो वो ऑफर एक्सेप्टेंस हो गई, तो प्रॉमिस बन गया। व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड एंड इट बिकम्स अ प्रपोजल, इट आल्सो बिकम्स इरिवोकेबल। रिवोकेशन को हम अलग से डिस्कस करेंगे बिल्कुल, तो इसलिए अभी हम ये डिस्कस नहीं करते कि इरिवोकेबल कब होगी और रिवोकेबल कब है। तो सबसे पहले हमें जो एक्सेप्टेंस है उसके एक वैलिड होने के कुछ एसेंशियल्स हैं वो देख लेते हैं, ताकि हम कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को और अच्छा डिटेल में समझ सकें। और जो चैप्टर 2 है, जो सेक्शन 3-9 में डिस्कस है, उसमें कुछ पॉइंट्स एक्सेप्टेंस से हैं वो अलहदा से हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि एक वैलिड एक्सेप्टेंस होने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं वो हमें लास्ट में ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर वैलिड ऑफर होगी तो वैलिड एक्सेप्टेंस होगी, वैलिड एक्सेप्टेंस होगी तो ज़ाहिर है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी बनेगा, क्योंकि वैलिड ऑफर प्लस वैलिड एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, रूल्स जो हैं एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए, या जो एक एक्सेप्टेंस को वैलिड करते हैं, ऐसे एसेंशियल्स, वो पहला ये है कि एक्सेप्टेंस कैन ऑनली बी गिवन टू हुम द ऑफर वॉज मेड। एक्सेप्टेंस जो है वो खाली वही बंदा दे सकता है जिसे ऑफर दी गई थी, कोई दूसरा नहीं दे सकता। मिसाल के तौर पर, इन केस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रपोजल, अगर स्पेसिफिक ऑफर दी गई है, जैसे ए ने सिर्फ बी को ऑफर दी है, तो सी तो नहीं एक्सेप्ट कर सकता ना, तो सिर्फ बी ही दे सकता है क्योंकि उसने सिर्फ उसे दी है। तो इस तरह की जो एक्सेप्टेंस है सिर्फ वही बंदा दे सकता है जिसे ऑफर दी गई थी। जैसे कि एक केस है बॉल्टन वर्सेस जॉन्स का, कि बॉल्टन जो होते हैं वो ब्रोकलहर्ट्स का बिजनेस खरीद लेते हैं। ठीक है, जबकि बट ब्रोकलहर्ट्स दे डिडंट इन्फॉर्म ऑल हिज क्रेडिटर अबाउट द सेम। एक पार्टी, एक बंदा दूसरी बंदे का बिजनेस खरीद लेता है, ए बी का बिजनेस खरीद लेता है, लेकिन बी जो है वो अपने जो उसके कस्टमर्स होते हैं उन्हें डिस्क्लोज नहीं करता कि मैं अपना बिजनेस बेच चुका हूँ। ठीक है, ये होता है। जॉन्स जो एक कस्टमर होता है उधर का, वो एक ऑर्डर दे देता है किसे? बॉल्टन को, ए ने जिसने बिजनेस उसका ख़रीदा है उसे एक ऑर्डर दे देता है, लेकिन बाद में वो उसे पे नहीं करता। जब उसे पता चलता है कि इसने तो बिज़नेस बेच चुका है, वो कहता है मैंने तो तुमसे ऑफर दी, तुम्हें तो ऑर्डर दिया ही नहीं था, मैंने बी को सोचकर ऑर्डर दिया था कि उसका बिज़नेस है, तो इसलिए मैं अब ये पैसे आपको नहीं पे करूँगा। तो यहाँ पता चला कि ऑफ़र ही नहीं हुई थी, वैलिड एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, तो ये वैलिडिटी ही नहीं थी। He cannot accept the offer and there is no contract. When the proposal is a general offer, then anyone with knowledge of the offer can accept it. यानी कि
अगर एक ऑफर जनरल है तो कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है या कोई रूल नहीं है कि वो ही बंदा, एक ही बंदा उसे एक्सेप्ट करे। लेकिन अगर स्पेसिफाइड है तो जो स्पेसिफिक बंदा है वो ही सिर्फ ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। सेकेंडली, इट हैज़ टू बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। सेक्शन 7 बताता है कि जो एक्सेप्टेंस है उसे अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन तरह की नहीं होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे, एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट, उसकी कुछ कंडीशंस नहीं हो साथ। दे के नॉट बी कंडीशनल एक्सेप्टेंस दैट वुड अमाउंट टू अ काउंटर ऑफर विच डिफाइज द ओरिजिनल ऑफर। जैसे जो एक्सेप्टेंस है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, इसमें कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने काउंटर ऑफर में क्या पढ़ा था कि एक पार्टी दूसरी को उसी वक्त एक ऑफर देती है तो उसके सामने एक काउंटर ऑफर दे देती है। जैसे ए बोलता है बी को कि वो उसे अपनी साइकिल सेल करना चाहता है 2000 में, लेकिन बी कहता है मैं तब तुम्हारी ऑफर एक्सेप्ट करूँगा जब तुम मुझे अपनी साइकिल 1500 में बेचोगे। तो ये एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी कि उसने कहा कि एक ने कहा कि तुम मेरी साइकिल ख़रीद लो 2000 में, बी ने कहा कि नहीं मैं तब ख़रीदूँगा, मतलब कि जब एक्सेप्ट करूँगा जब तुम मुझे 1500 में बेचोगे। तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है, दोनों की तरफ से ऑफर ही आ रही है, तो इसे एक्सेप्टेंस नहीं कहेंगे। इसका मतलब जो एक्सेप्टेंस है उसे अनक्वालिफाइड होना चाहिए। ऑल्सो इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, इफ़ नो सच प्रिस्क्राइब मैनर इज डिस्क्राइब्ड देन इट मस्ट बी एक्सेप्ट इन द नॉर्मल एंड रीजनेबल मैनर। और ये कह रहे हैं कि साथ साथ जो ऑफर है उसे एक्सप्रेसली इन अ प्रिस्क्राइब मैनर होना चाहिए, कि अगर ऑफरर जो है उसने कहा है, कुछ बताया है कि आप मुझे एक्सेप्टेंस जो है वो लेटर के थ्रू देना। अगर एक बंदा, एक ऑफरर है, वो ऑफरी को एक्सेप्टेंस देता है और साथ कहता है कि मुझे आप इसका जो एक्सेप्टेंस है ना वो भी लेटर के थ्रू ही देना, क्योंकि ना मेरा ईमेल नहीं चल रहा, कुछ भी इस तरह का बोल दे, तो जो ऑफरी है उस पर ये लाजिम है कि उसे वो उसी मैनर में साइन करे एक्सेप्टेंस। ये ना हो कि फ़ोन पे कर दे, कॉल पे कर दे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एज इट वुड बी इन द सिंपल कोर्स ऑफ बिजनेस। और अगर कुछ ऐसा नहीं बताया हुआ उसने, मतलब ऑफरर ने कुछ बताया नहीं है उसे कि आपने मुझे लेटर के थ्रू ही करनी है, एक्सेप्टेंस बतानी है कि आपने लेनी भी है चीज़ या नहीं, या आपने फ़ोन के थ्रू ही बतानी है, अगर ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ तो फिर ये इधर यहाँ पे पॉइंट ऑफ फैक्ट है कि जो भी उस तरह के नॉर्म्स हैं उस जगह के, या टाइमिंग है रीज़नेबल वगैरह, वो देख कर उसे भेजते हैं वो एक्सेप्टेंस। जैसे मिसाल के तौर पर ऑफरर ने कहा है उसे कि आप मुझे ना, आप, मैं आपको गाड़ी भेजना चाहता हूँ 1 लाख में, आप मुझे बता दें एक्सेप्टेंस अगर आपने देनी है तो, लेकिन वो उसे देता ही नहीं है, 1 साल बाद देता है, तो ये तो गलत हो जाएगी, ये रीज़नेबल भी नहीं है। तो इसका मतलब रीज़नेबल हो अगर उसने प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं बताया कि आपने मुझे 10 दिन में बताना है या इसके थ्रू बताना है, तो आप रीज़नेबली जो आपका टाइम है 1 वीक में या 15 दिन में या 20 दिन में, आप उसे लाजमी बता दें जो रीज़नेबल उस टाइम पर आपको लग रहा है। ये नहीं हो कि साल बाद होगा तो क्या पता उन्होंने किसी और को रीसेल भी कर दी हो, या फिर वो सेल ही ना करना चाहते हों। ठीक है, हाउएवर दस द लॉ डज नॉट अलाउ साइलेंस टू बी अ फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस, सो द ऑफर कैन नॉट से इफ़ नो आंसर इज़ रिसीव द ऑफर विल बी डीम्ड एज एक्सेप्टेड। अच्छा, लॉ जो कहता है कि अगर किसी भी ऑफर की एक्सेप्टेंस है उसे ये नहीं माना जाएगा कि एक्सेप्टर ने कुछ कहा ही नहीं है, तो उसे एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। कि ऑफरर ने ऑफरी को एक ऑफर दी कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ 40 लाख में, क्या तुम ये ख़रीदोगे, वो आगे से कुछ बोलता ही नहीं है, तो मैं ये समझ लूँ कि इसने कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब हाँ ये ख़रीदना चाहता है, तो ये गलत है, ये लॉ इस बात को नहीं मानता। ठीक है, सेकेंड रूल है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो एक्सेप्टेंस है जाहिर है वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए दोनों पार्टीज़ के दरमियान, अगर किसी प्रिस्क्राइब फॉर्म में है तो वो प्रिस्क्राइब मैनर में होना चाहिए। When the offeree accepts a proposal, he must have known that an offer was made. He cannot communicate acceptance without knowledge of the offer. इसका मतलब कि अगर कोई ऑफर दे रहा है तो उसे वो एक्सेप्ट तब कर सकता है जब उसे नॉलेज हो कि एक ऑफर दी गई थी। जैसे मिसाल के तौर पे, ए ऑफर्स टू सप्लाई बी विद गुड्स एंड बी इज़ अग्रीबल टू ऑल द टर्म्स। ही राइट्स अ लेटर टू एक्सेप्ट द ऑफर बट फॉरगेट्स टू पोस्ट द लेटर, सो सिंस द एक्सेप्टेंस इज़ नॉट कम्युनिकेटेड इट इज़ नॉट वैलिड। इसकी एग्जांपल कितनी अच्छी यहाँ है कि अगर ए ऑफर करता है बी को कि वो उसे अपने गुड्स सप्लाई करेगा, ठीक है,
और बी जो है वो अग्री हो जाता है कि ठीक है आप मुझे ये साइन कर देना, लेकिन वो ये बात जो है वो लेटर में लिख कर होता है अग्री, लेटर में उसने ये बात लिखी होती है लेटर में कि हाँ आप मुझे ये साइन कर दें अपनी एक्सेप्टेंस, लेकिन वो उसे पोस्ट करना भूल जाता है। इसका मतलब एक्सेप्टेंस ऑफर तक पहुँची ही नहीं ना, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं हुई, तो इसका मतलब ये वैलिड भी नहीं हुई। ठीक है, फोर्थली है इट मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब मोड। ये हमने पिछले भी पहले भी हो गया थोड़ा क्लियर कि एक्सेप्टेंस जो है वो अगर कोई प्रिस्क्राइब मैनर है जो कि डिमांडेड है ऑफरर की तरफ से कि आप मुझे सिर्फ ईमेल के थ्रू ही एक्सेप्टेंस देना, तो आपने उसी के थ्रू देनी है। ठीक है, इफ़ नो सच मैनर इज़ प्रिस्क्राइब्ड इट मस्ट बी इन अ रिजनेबल मैनर दैट वुड बी एम्प्लॉयड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि अगर कोई प्रिस्क्राइब मैनर नहीं दिया गया ऑफरर ने, तो वो ऐसे रीजनेबल हो या पॉइंट ऑफ फैक्ट के थ्रू उसे भेजते हैं। ठीक है, बट इफ़ द ऑफरर डज नॉट इंसिस्ट ऑन द मैनर, अगर ऑफरर ने कुछ बताया ही नहीं है कि आप मुझे सिर्फ लेटर के थ्रू भेजो या ईमेल करो या कॉल पर बताओ, तो आफ्टर द ऑफर हैज़ बिन मैड हैज़ बिन एक्सेप्टेड इन अनदर मैनर इट विल बी प्रिज्यूम्ड ही हैज़ कंसेंटेड टू सच एक्सेप्टेंस। अगर ऑफरर ने कुछ बताया ही नहीं था एक्सेप्टर को कि आपने मुझे इस मैनर में भेजनी है, तो अगर वो किसी भी मैनर में उसे साइन कर दे अपनी एक्सेप्टेंस, तो वो यही कहलाएगी कि ऑफरर ने ही कहा था। ये नहीं कह सकते कि ऑफर का तो उसमें कंसेंट शामिल ही नहीं था। ठीक है, सो ए ऑफर्स टू सेल हिज फार्म टू बी फॉर 10 लैक्स, ही आस्क बी टू कम्युनिकेट हिज आंसर वे पोस्ट। ए ने ऑफर दिया बी को कि वो उसे अपना फार्म सेल करेगा 10 लैक्स में, और उसे कहा कि आप मुझे ये पोस्ट के थ्रू बता देना। ठीक है, मतलब क्या लेटर पोस्ट करके आप मुझे इसकी एक्सेप्टेंस दे देना अगर आपने ये ख़रीदना है, ऑफ़र दे रहा हूँ मैं आपको। लेकिन बी क्या करता है, बी ईमेल्स ए एक्सेप्टेंस ऑफ़र। ठीक है, लेकिन बी क्या करता है, बी पोस्ट के ज़रिए नहीं बल्कि ईमेल के ज़रिए उसे भेज देता है अपनी एक्सेप्टेंस। नाउ ए कैन आस्क बी टू सेंड द आंसर थ्रू द प्रिस्क्राइब मैनर, बट इफ़ ए फेल्स टू डू सो इट मीन्स ही एक्सेप्टेड द एक्सेप्टेंस ऑफ बी एंड अ प्रोमिस इज मेट। इसको मैं जनरली बता देती हूँ कि अगर ए बी को ये ऑफ़र देता है कि वो उसे अपना फार्म बेचना चाहता है 10 लाख में, और कहता है साथ कि आप मुझे इसकी एक्सेप्टेंस पोस्ट के थ्रू ही करना, लेकिन बी क्या करता है, ईमेल के थ्रू कर देता है, तो यहाँ पर ए के पास राइट है कि वो उसे कहे कि आपने मुझे ईमेल के थ्रू क्यों भेजी, आप पोस्ट के थ्रू भेजें, या मैं नहीं मानूंगा इस एक्सेप्टेंस को। लेकिन अगर वो ऐसा कुछ नहीं कहता, तो इसका मतलब उसका कंसेंट शामिल हो चुका है, एक्सेप्टेंस वैलिड हो चुकी है और प्रॉमिस बन चुका है। ठीक है, इसका फाइव और लास्ट रूल ये है, या जो इजेंशियल है एक्सेप्टेंस का, जो सेक्शन एट बताता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और एक्शंस ऑफ द प्रोमिसज इज़ एक्सेप्टेबल। सो इफ़ अ पर्सन परफॉर्म्स सर्टन एक्शंस दैट कम्युनिकेट He has accepted the offer, such implied acceptance is permissible. So if A agrees to buy from B 100 bales of hay for 1000 and B sends over the goods, his actions will imply he has accepted the offer. इसमें इन्होंने कहा है कि acceptance जो है वो implied way में भी हो सकती है, जैसे कि A B से 100 bales of hay ख़रीदना चाहता है जो कि 1000 rupees में पर होगी, और बी उसे वो सेंड भी कर देता है। हिज एक्शंस विल इम्प्लाई ही हैज़ एक्सेप्टेड द ऑफ़र। उसने बस ख़रीदने की उसे बताया कि मैं आपसे ये चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ, और बी ने उसे डायरेक्ट सेंड भी कर दी। ठीक है, तो ये भी कहा जाएगा इम्प्लाइडली एक्सेप्टेंस हो गई, उनके दरमियान कोई ज़ाहरी कम्युनिकेशन तो नहीं हुई, या उन्होंने पहले उसने बताया नहीं कि हाँ मैं तुम्हें भेज दूँगा, हाँ ठीक है, बस उन्होंने डायरेक्ट उसे गुड्स भेज दिया। ठीक है, इसका मतलब उनका बिज़नेस थोड़ा क्रेडिट वाला भी हो सकता है कि एक पार्टी ने दूसरी को एक कहा कि वो एक चीज़ उससे ख़रीदना चाहता है, और सामने वाली पार्टी ने उसे डायरेक्ट सेंड कर दी, तो यहाँ पर भी इम्प्लाइडली एक्सेप्टेंस हो गई। तो ये सब थे रूल्स जो कि एक एक्सेप्टेंस को वैलिड करते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़े थे एक ऑफ़र को वैलिड करने के रूल्स या एसेंशियल्स, क्योंकि ऑफ़र वैलिड होगी, एक्सेप्टेंस वैलिड होगी, तभी एक वैलिड प्रॉमिस होगा, यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। तो आज हमने ये सेक्शन चैप्टर 1 के जो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन पर डील करता है प्रपोजल की,
उसमें हमने कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल पढ़ी और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ी। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कम कंप्लीट होती है, ये है सेक्शन 4 में, और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी और कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन भी। बट कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। तो आज के लिए यही था, इंशाल्लाह हम सेकंड में डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल किस तरह और कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन किस तरह होती है, प्रपोजल की भी और एक्सेप्टेंस की भी। इसमें हमने सिर्फ ये डील किया कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होती है और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर और अगेंस्ट एक्सेप्टर कब कब कंप्लीट होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ किसी भी वैलिड ऑफर के एसेंशियल्स क्या होते हैं। होपफुली आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।